आम धान जो है हर साल बेचते हैं और उसकी रसीद जो है वायरल भी होती है। तो ये बात न कहें कि जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ अब जवाब ले लीजिए, अच्छी तरह जानती है कि उनके लिए काम हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी ने किया है कई योजनाओं के तहत, और इस बात को जनता खुद महसूस कर रही है। और जिस चीज को जनता महसूस कर रही है उसे आप इस तरह झूठ बोलकर एक शब्द में झुठला नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत बात। मैं भी पूछ लेता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख गरीब परिवारों के आवास को लटका लेकर काम आपने किया, आपके मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने अपना विभाग छोड़ दिया, उस पर आपका क्या कहना है? आपने घोषणा पत्र में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बाड़ी देंगे, बड़ा मकान देंगे, इस एक व्यक्ति को आपने दिया, मेरी खुली चुनौती है बता दीजिए, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे का मकान देंगे, इस एक व्यक्ति को दिया, खुली चुनौती है बता दीजिए, उल्टा 16 लाख गरीब परिवार के मकान के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए, एक गरीब व्यक्ति को मकान लेने नहीं दिया, उनके आवास के स्वप्न को चूर चूर करने का पाप आपने जो किया है ना, उसके खिलाफ जाकर के आज मतदान हो रहा है, इसका हिसाब 3 तारीख को सामने आ रहा है। आप 15 साल में 3 साल के शासन काल में उसमें से एक मिनट, अगर आप दोनों ही साथ साथ बोलेंगे दर्शक को समझ नहीं पाएंगे ना, आप अपनी अपनी बात रखिए अपनी अपनी बारी आने पर। मणि वैष्णव जी देखिए, उमेश गोलमणि जी यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बकायदा योजनाओं के नाम बता रहे हैं, जो नाम योजनाएं बनाई तो गई लेकिन उन पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया, और आप किस तरह आप में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर, मैं कहूंगी क्योंकि आप उतना कॉन्फिडेंटली उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पड़ता है झूठे आरोप लगाते हैं इसलिए टोकना पड़ता है इनको। नहीं, आप टोकिए, आप अपनी बात रखिए, टोकिए मत, पूरी बात रखिए अपनी। जी देखिए, मैं आप कह रहा हूं कि 150 वादे किए थे 3 बार के इनके शासन काल में, 3 बार चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ में, 3 बार घोषणा पत्र बनाया और 3 बार जीते, तीनों बार जो है ना कुल मिलाकर 150 वादे इन्होंने किए थे। 2003 में सबसे पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा तो बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, साथ ही 9 वादे किए थे, उन 9 वादों में से 8 वादों को 15 साल सरकार में रहने के बावजूद, 3-3 बार चुनाव जीतने के बावजूद इन्होंने पूरा नहीं किया 9 में से 8 वादों को। ये क्या जो है वादे खिलाफी की बात करेंगे, और ये शराबबंदी की बात कर रहे थे भाई साहब, सबसे ज्यादा 300 करोड़ राजस्व आता था शराब से पहले, जब पहली बार शासन में आई थी भारतीय जनता पार्टी, 5000 करोड़ तक आपने पहुंचाया, गली गली में आपने शराब दुकान खोला, ना मंदिर देखा ना पाठशाला देखी, हर जगह शराब दुकान खोला। आप शराबबंदी की बात करते हैं, और आप अगर शराबबंदी चाहते हैं तो आपने जो इस बार घोषणा पत्र लाया है उस घोषणा पत्र में शराबबंदी का कहीं पर जिक्र क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में आप राजस्व बढ़ाने क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश में आप महिलाओं के लिए अलग दुकान खोलने की बात क्यों कहते हैं? सरोज पांडे यहाँ पर क्यों बोलती कि ना हमने कभी शराबबंदी की बात की थी ना कभी करेंगे? तो जो है शराबबंदी केवल आपके लिए राजनीति का एक जुमला है, बार बार आप शराबबंदी की बात करते हैं लेकिन शराबबंदी आप चाहते नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो ये पूछ रहे ना कि कांग्रेस के लिए क्या किया इसको लेकर, क्या शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है या एक नब्ज है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत सेंसिटिव हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मतलब होता तो घोषणा पत्र में लिखती है शराबबंदी। तो हमने वादा किया था, हम शराब को सार्वजनिक बुराई मानते हैं, हमने इसीलिए वादा किया था और उसके ओर हमने कदम भी बढ़ाया, 200 शराब दुकानों को हमने बंद किया है। देखिए, हमारी इच्छा थी शराबबंदी की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में हमने